Sing Saba. फ़ोन किसने किया था? सर मैंने किया था। आपकी तारीफ, और आप यहाँ क्या करते हैं? सर मैं मैनेजर हूँ अजीज, और उस लड़की पे इसने गोलियाँ चलाई थी। बकवास कर रहा है, मैंने उस लड़की को नहीं मारा सर। मुंह बंद रखो अपना, सच और झूठ क्या है वो सब पता चल जाएगा। ये मर्डर होते हुए किस किस ने देखा है? सर देखा तो किसी ने भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था कमरे में। सऊद। यस सर। इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो और इन दोनों को भी थाने लेके चलो। मैं डीएसपी साहब को इतला देकर आता हूँ। राइट सर। हाँ, वो यहाँ का जो एंट्री रजिस्टर है ना, वो ज़रूर अपनी तहवील में ले लेना। इसको भी ले आना। बैठो। हाँ सऊद, क्या मालूमात है? सर इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लड़की का नाम शहला मालूम है और उस लड़के का नाम जावेद है। सर ये रहे इन दोनों के पिछले एक माह के फ़ोन रिकॉर्ड्स। सर लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल और आलाई कत्ल को जांच पड़ताल के लिए लेबोरेटरी भेज दिया गया है। गुड, वेरी गुड। सर लड़की का एक भाई है ज़हीर नामी, जिसे फ़ोन करके इतला दे दी गई है। और ये अजीज़ साहब क्या कहते हैं इस बारे में? इनसे क्या मालूमात इकट्ठी हुई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। इफ़त, इफ़त। क्या हुआ ज़हीर भाई, आप रो क्यों रहे हैं? आंटी की तबीयत तो ठीक है ना, और ये शैला कहाँ है ज़हीर भाई? शैला का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या क्या बोल रहे हैं ज़हीर भाई आप? कैसे, कब और कहाँ? बताइए ज़हीर भाई कहाँ है अभी वो लोग? उसी अस्पताल में जहाँ अम्मी एडमिट है, उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बस मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ। सर मुझे जो कुछ पता था वो मैं इनको बता चुका हूँ। सर प्लीज अब मुझे जाने दें। दुगना किराया वसूल करके मकामी लोगों को चार चार पांच पांच घंटे के लिए रूम फराहम करना और अपने रजिस्टर में झूठे नामों पतों का इदराज करना, ओबाश लोगों को गैर अखलाकी हरकत के लिए शेल्टर फराहम करना, ये सब नाकाबले माफी जराइम है अजीज साहब। इन सब कामों का पैसा ऊपर तक पहुंचता है सर, अगर कम है तो बताएं। अब ना तू बचेगा और ना तेरे साथ देने वाले। बता तूने उस लड़की का कत्ल क्यों किया, बोल। सर माफ कर दे सर, गलती हो गई, लेकिन सर उसे मैंने नहीं मारा सर, सर मैं बेकसूर हूँ। ये मुनमुनाने से कुछ नहीं होगा, सब बता साहब को क्या हुआ था उस दिन, क्यों मारा तूने, वरना बेशुमार तरीके हमारे पास बुलवाने के लिए। सर सर मैं सच बताता हूँ सर, सर उस दिन सुबह मैं काउंटर पर बैठा हुआ था सर, ये दोनों काउंटर पर आए, उसके बाद कैसे हैं अजीज साहब? अरे जावेद साहब क्या बात है, इतने दिनों बाद चक्कर लगाया। क्या करें जनाब, जो चाहिए था उन्होंने आने में दिन ही इतने लगा दिए। खैर आज स्पेशल सर्विस होनी चाहिए, मैडम के लिए फ्रेश जूस और कुकीज़, और साहब आपके लिए आपका स्पेशल ड्रिंक विद पीनट्स। सर ये चाबी लें, आप जाके रिलैक्स करें,
दस मिनट में सारी चीजें कमरे में भिजवाता हूँ। जी सर, आपने बुलाया सर। हाँ, ये पर्ची लो और ये सारा सामान रुनवर जीवन में जल्दी से पहुँचा दो, ठीक है? और हाँ सुनो जी, टेक्नीशियन को भेजो यार, कल रात से मेरा फोन डिस्टर्ब हुआ इंटरकॉम। जी अच्छा, भेज रहा हूँ। सर उसके बाद अमले ने जावेद साहब को बांध दिया और मैंने पुलिस को कॉल कर दी। इससे ज्यादा सर मैं कुछ नहीं जानता। वेरी स्ट्रेंज मिस्टर अजीज, हाउ इट पॉसिबल एन उसी वक्त आपके होटल की लाइट चली जाती है और आपका इंटरकॉम भी खराब होता है। सर वो रोज की लोड शेडिंग की फिक्स टाइमिंग है सर, रोज उसी वक्त लाइट जाती है और सर जनरेटर की लाइट ऑन करने में कुछ सेकंड तो लगते हैं सर, और मैं कुछ नहीं जानता सर इससे। सर इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता सर। ये लोग अपने होटल में आने वाले नौजवान लड़के और लड़कियों को बाद में ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसा और उनकी इज्जत ऐंठ लेते हैं। रेमबक्स, रेमबक्स। जी सर। अजीज साहब को ड्यूटी ऑफिसर के पास ले जाओ, उसको कहना कि इसका बयान कलम बंद करे और इसे लॉकअप कर दे। सर 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 रहम, सर रहम, रहम करे सर। सर तुम कोशिश करो कि शैला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाए ताकि हम प्रॉपर कार्रवाई का आगाज कर सकें। ठीक है सर, बस मैं अस्पताल की तरफ ही जा रहा हूँ। हो सकता है कि लड़की का भाई पहुँच चुका हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लेबोरेटरी रिपोर्ट्स स्पेशल रिक्वेस्ट पर कल सुबह तक मिल सकती हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। ठीक है सर। आई एम सॉरी सर, योर मदर इज नो मोर। सर ये मकतूला की माँ भी इत्तेफाक से इसी हॉस्पिटल में जहर इलाज थी। बेटी की मौत की खबर का सदमा सह ना सकी, दूसरी डेड बॉडी उन्हें की। ओह इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। जहीद, तुम इस वक्त जिस कर्ब से गुजर रहे हो मैं उसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा हौसला, तुम्हारा तहमुल, तुम्हारी हिम्मत बरकरार रखेगा। उठो, हिम्मत से काम लो। मैं और सब इंस्पेक्टर सऊद तुम्हारी बहन शैला के कत्ल के नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक इसमें आया से। इसने ना हमारी इज्जतों को पपा दिया बल्कि मेरी मेरी कायनात, मेरी माँ मुझसे छीन ली। आप जिस तरह चाहे जैसे चाहे दफना दे इसे, दूर कर दे इसे मेरी नजरों से। जहीद, वो तुम्हारी नजरों से नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी से भी बहुत दूर जा चुकी है। वो कसूरवार थी या नहीं इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन अपनों के अमाल जिंदगी में जैसी भी रहे हों मगर इस आखिरी वक्त में उनको उसी अदब और ताजीम के साथ रुखसत करना चाहिए जो उनका हक है और जिसका हमें हुक्म दिया गया है। सुनो, उस मासूम की जान क्यों ली जिसने अभी ठीक तरह से अपनी जिंदगी भी शुरू नहीं की थी। मासूम,
मासूम नहीं थी सर वो, ये काम था उसका, पैसे लिए थे सर उसने मुझसे। अपनी मर्जी से आई थी वो, तो मारा क्यों तूने उसे? सर मैंने उसे नहीं मारा, शैला का नंबर मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था और ये बोला था कि वो बहुत खूबसूरत लड़की है। और हेलो, कैसी हैं आप जी? कौन? खादिम को जावेद कहते हैं। सॉरी, मैं किसी जावेद को नहीं जानती। आप हमें नहीं जानती तो क्या हुआ, लेकिन हम तो आपको जानते हैं ना जी। फरमाइए, क्या काम था आपको? आज की रात हमें मेहमान नवाजी का शर्त बज दे, मुंह मांगी कीमत देने के कायल हैं हम जी। नहीं, मुझे रात अपने घर वालों के साथ ही गुजारना पसंद है। तो फिर कल दिन के बारे में क्या ख्याल है आपका? ठीक है, कल कहाँ मिलेंगे आप? कहाँ रहता है तेरा दोस्त, नंबर क्या है उसका? सर वो तो पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया चला गया सर। सर उसका नंबर नहीं है मेरे पास सर। वो क्या, उसका बाप भी ऑस्ट्रेलिया से इधर आएगा? क्या हुआ था उस दिन, होटल में क्या किया तुमने? सब सच सच बोल, नहीं तो। सर सब सच से बताता हूँ सर। अब आप और आपका वक्त दोनों ही मेरे हैं। टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ, मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ। कौन था वो जिसने फायर किए, कैसा था वो? मैं उसे देख नहीं सका सर। नंबर देने वाला ऑस्ट्रेलिया चला गया, जिसने फायर किए तू उसे देख नहीं सका? बेवकूफ समझता है तू हमें? हाँ सर, मैं बेकसूर सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। हो सकता है इसके अंदर उसके किसी अजीज का हाथ हो सर। मुझे मत सिखा, बस अब पोस्टमार्टम और लेबोरेटरी रिपोर्ट आने का इंतजार कर, उसके बाद तुझे और तेरे अजीज को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। सर मैं बेकसूर सर, सर मैंने उसे नहीं मारा सर, सर मेरा यकीन करे सर, सर सर मैं भाई इस घर से मुझे हमेशा हकीकी माँ बहन और भाई जैसा प्यार मिला, वरना मेरा इस दुनिया में पापा के सिवा था ही कौन? बाकी रिश्तों की लज्जत और मिठास को तो मैंने आप लोगों के साथ रहकर ही महसूस किया। और अब वो घर पे नहीं रहा। लेकिन भाई आप हमेशा मेरे भाई हैं, इस घर के और आप लोगों के मुझ पर बेशुमार एहसान आते, जीते जी तो मैं आंटी और शैला के एहसानात को नहीं उतार सकी। भाई आप ही कुछ पैसे ले लीजिए। नहीं बात, हरगिज़ नहीं। प्लीज भाई मना मत करें, वरना मैं समझूंगी कि आपने आंटी और शैला के साथ, मुझे पता है भाई इस वक्त आपको इन पैसों की कितनी ज़रूरत है। प्लीज़ ले लीजिए भाई, प्लीज़ भाई। भाई इतनी रकम कहाँ से आई है आपके पास?
चुप करो, अगर अम्मी ने सुनी हो तो परेशान हो जाएंगी। मैं तो बस क्या छुपा रहे हो भाई अपनी माँ से? कुछ नहीं अम्मी, वो तो मैं क्या छुपा रही हो, ये दिखाना इधर। वो कुछ नहीं अम्मी, वो अम्मी ये तो भाई ने दिए थे मुझे पैसे, मुझे नहीं पता कहाँ से आए इनके पास इतने सारे पैसे। कहीं तुमने? जी अम्मी, मैंने दुकान का सारा सामान बेच दिया और वैसे भी वहाँ एडवांस की रकम रखवानी थी तो वहीं से आए ये रुपए। बेटा ये क्या किया तुमने, इतनी मुश्किल से रुपया रुपया जोड़कर तो ये काम शुरू किया था और तुमने ऐसे खत्म कर दिया? अरे मेरी माँ, ऐसे नहीं खत्म किया, और वैसे भी अब ये रकम आपके इलाज के लिए काम आएगी, कम से कम हमें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे। लेकिन भाई इफ़त को यार नहीं है, इस घर के फर्द की तरह है, अगर वो कुछ पैसे दे रही थी तो क्या जरूरत थी दुकान बेचने की? नहीं शैला, इफ़त ने जिस तरह से तुम दोनों का ख्याल रखे वो ही काफ़ी है। वैसे भी अम्मी ने हम दोनों के लिए जितनी मुश्किलात और मुसीबतें झेली हैं अब नहीं, और आज इस काबिल मैं हो गया हूँ कि तुम्हारा और अम्मी का ख्याल रख सकूँ। लेकिन भाई उसमें कोई हर्ज नहीं था, इफ़त ने कभी। बेटा भाई ठीक कह रहा है, इफ़त ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि कर रही है, और यहाँ तक कि घर के तमाम यूटिलिटीज़ के बिल की जिम्मेदारी भी उसने अपने सर ले रखी है। अब मैं नहीं चाहती बेटा कि उसके ऊपर कोई बोझ डले। अल्लाह ताला तुम तीनों को खुशाबाद रखे। कुछ भी नहीं कर पाया मैं अम्मी आपके लिए, नहीं बचा सका मैं आपको, अब तक कोई खुशी नहीं दे पाया मैं आपको। क्या कहना है जावेद का? सर ये कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर है जो मकामी कंपनियों पर आर्जी बुनियादों पर मेल फीमेल वर्कर्स फ्राम करता है। सर गैर शादीशुदा है और माली तौर पर मुस्तकिम है। इसका मतलब है कि आर्जी तौर पर मासूम और मजबूर लड़कियों को नौकरी दिलवाता है और मुस्तकिल बुनियादों पर अपनी हबीस के लिए इस्तेमाल करता है। हो सकता है कि शैला भी किसी मजबूरी के हाथों उसके साथ उस होटल में पहुँची हो। मुमकिन है सर, लेकिन जावेद के बयान के मुताबिक शैला एक प्रोफेशनल जिसका नंबर जावेद को उसके दोस्त ने दिया था, और सर जावेद की शैला से बस एक दो बार बात हुई है, वो भी कत्ल से एक रात पहले। इससे पहले ये शैला को जानता तक नहीं था। तुम क्या कहते हो उसके बारे में? सर इन दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड्स तो यही बताते हैं कि इन दोनों की बस एक दो बार बात हुई है, लेकिन सर। लेकिन क्या? सर मेरा दिल जावेद की बात मानने को तैयार नहीं है। मैंने उस लड़की की मासूमियत देखी है सर, जैसे घनौने काम के बाद नामुमकिन है सर। हालात की बेरहमी कभी कभी इंसान को ऐसे रास्ते ऊपर धकेल देती है जिस पर ना चाहते हुए भी उसे मजबूरन चलना पड़ता है। खैर तुम ऐसा करो, कल सुबह ज़हीर की माँ और बहन के जनाजे में शिरकत करो और वहाँ उनके रिश्तेदारों और मोहल्ले से कुछ मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करो। ठीक है सर। हाँ सुनो, अभी तुम होटल चले जाओ, देखो वहाँ पर CCTV कैमरा मौजूद अगर है तो उसकी फुटेज हमें काफ़ी काम दे सकती है। ओके सर, मैं अभी चला जाऊँ। ज़हीर, मैं तुम्हारी माँ और बहन की तस्वीर में ज़रूर शिरकत करता, लेकिन SSP साहब के साथ एक अहम मीटिंग में चला गया था। कोई बात नहीं सर, पर मैं तो आपके कहने पर। मैं ना भी कहता तो ये सब तुम्हें नहीं करना था। अल्लाह तुम्हारी माँ और बहन की मगफरत फरमाए और तुम्हें सब्र उस्ताह कमाता था फरमाए। आमीन। ज़हीर मुझे शैला के केस में तुम्हारा तआवुन दरकार है। वो जिस हालत में और जिस जगह अपनी ज़िंदगी की बाजी हारी है, मेरी और मेरी माँ की नेकनामी के लिए उतना ही काफ़ी है।
मैं मजीद बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जहीब देखो, जज्बात से नहीं हकीकत का सामना करो। हकीकत हकीकत तो सर ये है कि जिस माँ ने उसे और मुझे मेहनत और मुशक्कत करके पाला हो, उसने उसी माँ की जिंदगी ले ली। हकीकत तो यह भी हो सकती है कि उसने अपनी मर्जी से जिल्लत और रसवाई के अंधेरे में अपने आप को धकेला। मजाक तो यही नजर आता है, लेकिन सच्चाई उसी वक्त सामने आएगी जब तुम हमारे साथ ताउन करोगे। मैं माजरा चाहता हूँ सर, मैं अपनी जिंदगी का और तमाशा नहीं बनाना चाहता और ना इस केस को आगे लेके चल सकता हूँ, तो आप मुझे इजाजत दीजिए। जहीर, अगर तुम चाहते हो कि शैला के कातिल अपने अंजाम को ना पहुँचें तो जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर किसी भी वक्त तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें यहाँ आना होगा। ठीक है सर, आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। अच्छा वो जहर कि तुम आ गए, फिर क्या फैसला किया तुमने? अब इस केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सर आओ, सऊद आओ बेटा। थैंक यू सर। सर ये जहीर कुछ अजीब सी बात कह गया है। अजीब तो है लेकिन जैसे उसकी मर्जी, अगर वो नहीं चाहता तो खैर। तुम ये बताओ कि उसकी फैमिली और घर के बारे में कुछ पता चला? सर इस शहर में उनके रिश्तेदार अजीज वगैरह तो नहीं हैं सर, सिर्फ माँ और दोनों बहन भाई थे। अलबत्ता एक पड़ोसी खातून के मुताबिक इफ़त का इनके घर से बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक है। इफ़त? सर वो लड़की जो कल जहीर के साथ अस्पताल में मौजूद थी। सर इफ़त और शहला बचपन के दोस्त हैं, स्कूल से कॉलेज तक का वक्त साथ गुजारा। सर इफ़त का बाप मरते वक्त कुछ जायदाद इफ़त के नाम कर गया था जिससे बहुत अच्छी आमदनी आ रही थी। बकौल पड़ोसी खातून के मुताबिक इफ़त शैला के घर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। सर तो मोहल्ले के लोगों का उस फैमिली के बारे में क्या ख्याल है? सर तमाम लोग उनके किरदार और रख रखाव से बहुत मुतमईन हैं। सर पड़ोसी खातून के मुताबिक जहीर सुलझा हुआ और बहुत नेक लड़का है, जबकि शैला अपनी माँ की तरह नेक तबीयत साबिर सऊद सलाम की पाबंद थी। और हाँ सर, एक बहुत अहम बात जो उसने बताई, सर शैला की किसी जुनेद नामी शख्स से मंगनी तय पाई थी। सर उस वक्त ना तो जुनेद मौजूद था और ना ही उसके घर का कोई फर्द। हो सकता है मामला ख़त्म हो गए हो, उनकी आपस में ना बनी हो। मुमकिन है सर ऐसा हो। सर मैंने तमाम कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, शैला ने एक मखसूस नंबर पर बार बार और बहुत देर तक बात की है। सर सर वो नंबर चेक करवाया तो वो किसी जुनेद नामी शख्स के नाम रजिस्टर्ड है। सर ये देखें, मैंने तमाम नंबर पर मार्क कर दिया। गुड। क्या नाम बताया था उस शैला की सहेली का? हाँ इफ़त, तुम उससे अभी के भी रब्ता करो, मैं उससे आज ही मिलूँगा, हो सकता है वो हमारे साथ ताउन के तैयार हो जाए। राइट सर। भाई अम्मी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, आप कुछ करें प्लीज़। शैला मैं क्या करूँ, इस मुश्किल वक्त में तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं। तो भाई आप ख्वाजा अंकल के पास जाए ना, वो तो अब्बू के इतने पुराने दोस्त हैं और किसी चीज़ की कमी भी नहीं है उनके पास। वैसे भी वो आज जो कुछ भी हैं अब्बू की वजह से हैं। मैं गया था उनके पास भी, कह रहे थे आजकल बिजनेस नहीं, परेशानी है। तो भाई आपकी तो जॉब भी नहीं हुई है, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग तो खामखा परेशान होते रहते हो, हमेशा कौन रहा है बेटा, जाना तो सबको ही है, हम सब उसकी अमानत है। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, अल्लाह आपको सलामत रखे।
अम्मी। पोस्टमार्टम और लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद तो बेकसूर नजर आता है। जी सर, सर शैला के जिस्म से जो तीन गोलियां बरामद हुई हैं वो जावेद की पिस्तौल की नहीं हैं, और सर जावेद ने जो दो गोलियां कमरे के बैरूनी हिस्से में चलाई थी बस वही उसकी पिस्तौल से मैच करती हैं। सो तुमने कमरे को अच्छी तरह चेक तो किया था, हो सकता है वहाँ कोई दूसरा रिवॉल्वर हो। सर मैंने कमरे को एक बार फिर अच्छी तरह सर्च किया है लेकिन सर मुझे वहाँ से कुछ मिला नहीं है। और सर रिसेप्शन पे जो कैमरा लगा है वो मामूली नोयत का वेब कैम है सर, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं। अगर जावेद और अजीज कातिल नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? बहरहाल वो तुमने जो शैला की सहेली थी उसका क्या नाम बताया था, इफ़त, उससे रब्ता हुआ तुम्हारा? सर उससे कॉन्टेक्ट किया था मैंने, वो रास्ते में थी, अब तक घर पहुँच गई हूँ। सर आपकी गाड़ी रेडी है, अगर आप चाहें तो मिल सकते हैं। ठीक, चलो। ठीक, आंटी काफ़ी अरसे से दिल की मरीजा थी, उनके इलाज में काफ़ी रकम खर्च हो चुकी थी जिसके लिए जहीर भाई ने अपना कारोबार तक खत्म कर दिया था, लेकिन आंटी की हालत रोज ब रोज बिगड़ती जा रही थी। देखो जहीर, मेरा मशवरा मानो, तुम अपनी अम्मी का ऑपरेशन 2 से 3 महीने में करवा लो। अभी अम्मी की कंडीशन ऐसी है कि वो अफोर्ड कर लेंगी, वरना हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। पर डॉक्टर साहब, ऑपरेशन पर कम से कम कितना खर्चा आएगा? यही कोई 2 से 2.5 लाख। शैला ने कभी आपसे जावेद का जिक्र किया? जावेद? जावेद एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है और मैंने ही शैला को उसका एड्रेस दिया था। आपने? जी सर, जहीर भाई और शैला आंटी के ऑपरेशन को लेकर बहुत परेशान थे। जहीर भाई को कोई जॉब भी नहीं मिल रही थी, फिर शैला ने ही मुझसे जिक्र किया कि वो कोई जॉब करना चाहती है, लेकिन वो किसी को जानती नहीं थी। तब मैंने ही पापा के कॉन्टेक्ट लिस्ट से शैला को जावेद का एड्रेस निकाल के दिया था। तो फिर क्या शैला ने जावेद से रब्ता किया? जी, लेकिन जावेद इंतहाई घटिया इंसान निकला। यस सर, इसलिए मुझे इस जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। तुम्हारी एजुकेशन भी सिर्फ इंटर है, जॉब का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं तुम्हें। ऐसी सूरत हाल में तुम्हें 7 से 8 हज़ार रुपये से ज़्यादा की जॉब नहीं मिल सकती, वो भी मेरे पर्सनल एफर्ट पर। ना होने से तो होना बेहतर है सर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं छोटे छोटे एहसानात करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, अगर तुम मान लो तो। कैसी ऑफ़र? मैं तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पूरी रकम एक साथ अदा कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। क्या मतलब है आपका? कुछ ख़ास नहीं, बस कभी कभी कुछ वक्त मेरे साथ गुजारना होगा, वो भी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। सॉरी सर, नहीं चाहिए मुझे आपकी ऐसी मदद जो इज्जत बेचकर हासिल की जाए। अब टेंशन ना ले, कोई भी बात हो तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। चल, ओके, थैंक यू। सर सर सर, मैं डर गया था सर। सर मैंने इसलिए आपसे झूठ बोला सर। शैला का नंबर तूने कहाँ से हासिल किया? सर इत्तफाक से उसकी सीवी मेरी नज़रों के सामने आ गई सर। मैंने उससे फ़ोन किया और गैर मुतवक्का तौर पे उसने मुझसे मिलने की हामी भर ली सर। सर हामी उसने नहीं, हम इसकी मजबूरी ने भरी। उसकी माँ हॉस्पिटल के अंदर आखिरी सांसें गिन रही थी। तेरी हविस और दरिंदगी ने सिर्फ उसको ही नहीं, उसके पूरे घर को मौत के मुंह में धकेल दिया। सर मुझे माफ कर दे सर, सर मैंने उसका कत्ल नहीं किया सर, सर मैं बेगुनाह हूँ सर। उसे नहीं मारा, तूने उसे नहीं मारा,
लेकिन ना जाने कितनी मासूमों की इज्जत नफ्स और उनकी गैरत का कत्ल किया है। सर, तुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। सर, डाल दस को लॉकअप में। सर, सर प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, सऊद। यस सर। अंदर की लाइट्स ऑन करके देखो, शैला के कमरे में कोई चीज मिल जाए काम की। हौसला रखो, सर। सर, ये शैला के सामान में से मिली। सर, लगता है सर डायरी लिखने का बहुत शौक था। गुड। कुछ और मिला? नहीं सर, बाकी कमरे में कुछ कपड़े वगैरह हैं। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। बैठो। सर, आपने मुझे बुलवाया था। जहीर, मैंने शैला के हाथों लिखी डायरी पढ़ी, सोचा तुमसे भी शेयर कर लूं। मेरे प्यारे भाई, मेरी दुआ है कि अल्लाह तमाम बहनों को आप जैसा शफीक, खुददार और ख्याल रखने वाला भाई अता करें। आपने हमेशा मेरा और अम्मी का पूरा ख्याल रखने की कोशिश की है भाई, लेकिन इस वक्त मैं आपको इस तरह बेबसी की हालत में घुटते हुए नहीं देख सकती। मैं इस मुश्किल वक्त में आपका साथ देना चाहती हूँ, और मेरे सामने गुनाहों के दलदली रास्ते के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जिस पर चलकर मैं आपकी मुश्किलों को आसान कर सकूं। ये हकीकत है कि इसके बाद आखिरत में मेरा ठिकाना दोजख है, लेकिन अपनी जन्नत अपनी माँ की ज़िंदगी के खातिर मुझे ये दोजख कबूल है। मैं जानती हूँ कि जिस दिन आप पर मेरी हकीकत खुलेगी, उस दिन आपकी हैरत और खुददारी मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उस दिन के लिए अपनी इस बहन को अभी से माफ़ कर दीजिएगा भाई, फकत आपकी गुनाहगार बहन। ये गाड़ी ठीक रहेगी? बंदा ही बोंगस है, ज़्यादा मरामत भी नहीं करेगा। बाइक स्लो कर, बाइक स्लो कर, जल्दी रोक। क्या हुआ? अब ऐसी ही गाड़ी है क्या? वे छोड़, इस गाड़ी का पीछा कर। इरादे हैं जहीर उस्ताद, आज पहली पहली वारदात है तेरी, क्यों किसी फंसने के चक्कर में? चल कोई और शिकार देखते हैं। सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरी इज्जत की धज्जियां इस तरह से उड़ाएगी। वाह!
और उस अंधेरे का फायदा उठाकर मैं वहां निकलने से तो कामयाब हो गया, पर मैं सब कुछ हार गया। अच्छा हुआ जहीर कि ये सब कुछ तुमने खुद बता दिया, वरना जो रास्ता और जो लोग तुमने इख्तियार किए थे ना, वो एक ना एक दिन तुम्हें हमारी गिरफ्त में ले ही आते। जिस मोहल्ले में पैसे वाले शरीफ लोग 100 और 50 मदद करके हमें भिखारी बनने पे मजबूर कर दें, वहां कुछ मुझ जैसे लोग अक्सर ऐसा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था वो गुमराही की जानिब बढ़ने वाला पहला कदम मुझे रुसवाई और पछतावे की गहरी खाई में मुझे धकेल देगा।